मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया था होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप फॉर बिगिनर्स। वो अपलोड करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्हें उनमें से सारे इक्विपमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक पूरी वीडियो की सीरीज बनाऊं जिसमें मैं हर वीडियो में अलग अलग लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के इक्विपमेंट का सजेशन दूं। तो शुरू करते हैं कवर सिंगर से, वो लोग जो सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहते हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन उनका गोल नहीं है। और वीडियो के एंड में मैं ऐसे दो आर्टिस्ट का एग्जाम्पल भी दूंगा जिन्हें देख के आपको अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने में काफी मोटिवेशन मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपका एम बिल्कुल क्लियर है कि आप सिर्फ सिंगिंग पे फोकस करना चाहते हो और एज अ सिंगर अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हो, तो मेरे वो दोस्त जो बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनके लिए अभी 30-40 हज़ार रुपए भी स्पेंड करना बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली रिलेट, आई हैव बीन देयर। और शायद वो दोस्त भी जिनके पास बजट तो है, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको पूरा सेटअप करने की जरूरत है या नहीं। अगर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लिया है, आप यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल कराओके ट्रैक्स का यूज करके म्यूजिक क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको बॉलीवुड के लेटेस्ट गानों के कराओके 300 से 400 रुपए स्पेंड करके मिल जाएंगे। और थोड़ा अपना भी सेल्फ प्रमोशन करूंगा कि मेरी वेबसाइट से मेरे कवर्स के आप कराओ के यूज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आपको सिर्फ वोकल्स रिकॉर्ड करने हैं, म्यूजिक आप ऑलरेडी क्रिएटेड यूज करने वाले हो। इन दैट केस आपको ना ही किसी ऑडियो इंटरफेस की जरूरत है, ना ही मीडी कीबोर्ड की जरूरत है, ना ही बड़े स्टूडियो मॉनिटर्स लेने की आपको जरूरत है, और XLR इनपुट वाले महंगे कंडेंसर माइक की भी आपको जरूरत नहीं है। आपको चाहिए बस एक USB इनपुट वाला कंडेंसर माइक जिसे आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सको। उसके लिए आपको ऑडियो इंटरफेस की जरूरत नहीं है। ऐसे तीन ऑप्शंस मैं आपको देता हूं। उसमें सबसे बजट फ्रेंडली और अच्छी क्वालिटी का माइक है, वो है सैमसंग गो USB कंडेंसर माइक। Amazon पे अभी इसकी कीमत 4,000 रुपए के करीब है। साइज में काफी छोटा है, टेबल पे आप रख के अपने गाने रिकॉर्ड कर सकते हो। इतने कम बजट में इट इज सरप्राइजिंग टू सी कि इसमें पैटर्न सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कार्डियोइड और ओमनी डायरेक्शनल, और जीरो लेटेंसी वाला हेडफोन आउट भी आपको मिलता है जिससे आपको म्यूजिक ट्रैक के साथ वोकल्स रिकॉर्ड करते टाइम बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा अगर आपको डेस्कटॉप स्टैंड के साथ एक कंडेंसर माइक चाहिए तो ब्लू स्नोबॉल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अमेजोन पे अभी इसकी कीमत 5,000 रुपए के करीब है। वो लोग जिनके पास थोड़ा बजट है और इससे बेहतर क्वालिटी का आउटपुट चाहते हैं, उनके लिए ब्लू येटी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये आपने बहुत से कवर आर्टिस्ट के वीडियो में देखा होगा। इससे ज्यादा एक्सपेंसिव USB कंडेंसर माइक मैं खरीदने का सजेशन नहीं दूंगा। Amazon पे फिलहाल इसकी कीमत 11,000 रुपए के करीब है। और अगर आप सोच रहे हो कि रिकॉर्ड किस में करोगे, तो फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है यार, Audacity, उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो आप मल्टी ट्रैक्स। अगर वीडियो शूट करने की बात है तो आई एम श्योर आप ये वीडियो किसी एक फोन के ऊपर देख रहे हो। आजकल ऑलमोस्ट सभी फोन के कैमराज बेसिक क्वालिटी तो दे ही देते हैं जो यूट्यूब पे अपलोड करने के लायक हो, और वो वीडियोस एडिट करने के लिए भी फोन पे काफी सारे फ्रीली अवेलेबल एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। हम में से सभी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस में से गुजरते हैं जहां पे हम जो करना चाहते हैं और हम जो कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। हो सकता है आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो कि आपको वीडियोस बनाने हैं सनमपुरी, दर्शन रावल जैसे, और एट द सेम टाइम आप ये भी जानते हो कि बहुत सालों तक आप उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाओगे। लेकिन इस वजह से एक दूसरी सच्चाई बिल्कुल नहीं बदलती है कि आप इस स्टेज पे कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हो। मेरे पास आज अपना खुद का होम स्टूडियो भले हो, लेकिन मैंने ये चीजें एक साथ नहीं खरीदी हैं, मैंने एक एक करके छोटे छोटे स्टेप लेके ये चीज स्टार्ट की थी। ये फोटो मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से करूंगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जो फोटो है उसमें आप अगर माइक देख सको, हमने अपने पहले गाने उसमें रिकॉर्ड किए थे। 200 रुपए का माइक था और वो खरीद के हमें लग रहा था कि हम बहुत प्रोफेशनल क्वालिटी का आउटपुट देने वाले हैं। उसकी वजह ये थी कि उससे पहले हम आईबॉल के जो 130 रुपए के हेडफोन आते हैं उसके साथ जो माइक लगा हुआ आता है उसमें गाने रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके बाद जब पैसे इकट्ठे करके कंडेंसर माइक आ गया, तब स्टूडियो मॉनिटर्स नहीं थे, रिकॉर्ड करने के लिए अच्छी जगह नहीं थी, तो दूसरे फोटो में आप देख सकते हो कि किस तरह से साउंड प्रूफिंग का जुगाड़ किया हुआ है। और उसके बाद फाइनली ये थर्ड इमेज, और इस पूरी प्रोसेस को 6 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा, और उसके बाद भी आज जो मैं करना चाहता हूँ वो मेरी रीच के अभी भी बाहर है। लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस चीज को एक एक्सक्यूज बनाऊं और आज जो कर सकता हूँ वो भी ना करूं। आपको दो बहुत ही इंस्पायरिंग एग्जाम्पल देना चाहूंगा। YouTube पे जो दो मेरे फेवरेट सिंगर्स में से एक हैं, माई वेरी गुड फ्रेंड्स अमृता नायक एंड श्रेया कर्माकर, आइए उनके शुरुआती वीडियोस को सुनते हैं। पहले अमृता का ये वीडियो जो उसने डायरेक्टली फोन में रिकॉर्ड किया है और कोई भी म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है। मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगे,
अगर इतनी पावरफुल सिंगिंग हो तो कौन सा माइक यूज कर रहे हो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता. एंड दिस इज द रीजन व्हाई शी डिजर्व्स द 7.5 लाख सब्सक्राइबर्स दैट शी हैज एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो टुडे. श्रेया का एक शुरुआत का वीडियो देखते हैं. और कुछ ना जानू, बस इतना ही जानू, तुझे रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं. कैमरा भी नहीं था उसके पास. एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज जब गाड़ी का पीछे से हॉर्न बज रहा है. टुडे शी हैज मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर्स एंड अगेन वेरी वेल डिजर्व्ड. ये दोनों तब भी तो ऐसा ही चाहते होंगे जितनी अच्छी क्वालिटी के वीडियोस उनके आज बन रहे हैं वो तब भी बनते. पर उन दोनों ने इस बात को अपना एक्सक्यूज नहीं बनाया है और उस वक्त जो भी बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया है. एंड दैट इज वाई दे आर सो सक्सेसफुल टूडे. सो ये वीडियो बनाने का और इसके आगे जो भी वीडियोज बनाऊंगा इस तरह के, उनका यही पर्पज है कि हम उनमें से ना बने जो एक्सक्यूज देते रहते हैं. हम उन लोगों में से भी ना बने जो दूसरों के वीडियोस पे नेगेटिव कमेंट करते रहते हैं कि अगर ये फैसिलिटी मेरे पास होती तो मैं भी कर लेता. मेक द बेस्ट यूज ऑफ वॉट यू ऑलरेडी हैव एंड अपलोड मोर वीडियोज ऑन यूट्यूब इन 2019. इस वीडियो में बस इतना ही. आपकी अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो प्लीज कमेंट में पोस्ट करें. मैं कोशिश जरूर करूंगा कि उस पर भी एक अलग से वीडियो बना पाऊं. मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए इट्स गुड बाय फ्रॉम मी. बी गुड, डू गुड, सेरेंडिपिटी विल फॉलो.